प्रशासन कह रही है कि हम ट्रेन्स का बंदोबस्त कर रहे हैं, हम लोगों को उनके घर पहुंचाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पांच लोग जो हैं परसों शाम से रजौरी से पैदल निकले हैं। आए इनसे जानते हैं कि ये पैदल चलकर कहां जाना चाहते हैं। तो आपका नाम? मैम गुड्डू कश्यप। तो रजौरी में क्या काम करते थे? पैंट का मैम। पैंट का लोकल काम करते थे। तो अब कहां जा रहे हो? मेरठ। मेरठ जा रहे हो। कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? कितना समय लगेगा पैदल पहुँचने में? मैम जम्मू से 550 किलोमीटर पड़ता है, अभी 3-4 दिन और लग जाएगा अगर पैदल पैदल जाएंगे। तो आपने रजौरी में प्रशासन से बात करने की कोशिश नहीं की कि आपके लिए कोई बस का इंतजाम हो, ट्रेन का इंतजाम हो? करा मैम, अपने इधर भी आईडी प्रूफ वगैरह लगाई है, कोई संबंध नहीं हुआ हमारे लिए। तो जब कोई नहीं हुआ। हाँ जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको वहाँ पर क्या रहने की जगह नहीं थी, खाने को राशन मिल रहा था नहीं मिल रहा था, क्या दिक्कत आ रही थी वहाँ पे? मैम खाने में राशन में भी कमी थी, कुछ पैसा पास में नहीं था, जो कुछ लेके खा ले मॉल का वैसा। तो मेरठ में कहाँ के रहने वाले हैं? मवाना रोड मेरठ, जिला मेरठ। तो आप पाँच ही लोग हैं जो जा रहे हैं, परिवार वगैरह भी हैं? है परिवार, हम दो भाई हैं और ये ताऊ चाचा के लड़के हैं, वैसे परिवार के हैं। तो आपसे पहले भी कोई लोग हैं जो गए हैं मेरठ ऐसे ही पैदल चलते हुए? हाँ जी, हमारे गांव के गए हैं 6 लोग। और 6 लोग वो कब निकले थे? वे परसों शाम निकले थे। वे तो पहुँच गए हैं मेरठ? हाँ जी, आज कोई शाम तक पहुँच जाएंगे। तो उनको लखनपुर पर रोका नहीं गया? आपको नहीं मालूम कि आपको आगे रोक दिया जाएगा? नहीं मैम, उन्हें रोका था, उनकी सुविधा था, गाड़ी वगैरह चल रही, उससे बाहर करवा देते, बॉर्डर पार करवा देता। अच्छा। हाँ जी, पठानकोट तक के, वो पठानकोट कह रहा मान लो लुधियाने तक का होना, कोई ट्रक वगैरह मिल गया तो लुधियाने तक उसमें चले गए बॉर्डर पे थे। तो आपको यहाँ पर जम्मू में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानी आ रही है? कुछ खाने पीने की, कुछ रहने सहने का वो नहीं है। ये लड़के की शादी है। आपका नाम? विकास कश्यप। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, इस लड़की की शादी है, उस लड़की बीच वाले की। अच्छा। तो इसलिए हमें मजबूरी में जाना पड़ रहा है। अच्छा, शादी के लिए जाना पड़ रहा है। हाँ जी। तो आपने प्रशासन से कहा नहीं कि आपके लोगों को इंतजाम किया जाए, कोई बंदोबस्त किया जाए? अखबार में लंबा दे रखा था ना जी, इस पर कॉल की और कोई रिसीव नहीं कर रहा उसको। तो आप पैदल निकल गए यहाँ से, अभी आपके पास खाने का सामान है, कुछ बंदोबस्त है? हाँ जी, लेटने का सामान है, खाना बनाने का भी है, बना कर अभी ले रखते हैं। मिल गए आपके पास जी। पैसे की कमी है, क्या कमी है जिसकी वजह से आप पैदल ही निकल गए हैं? मैम कुछ पैसे वगैरह नहीं थे, कुछ वैसा कोई खाने पीने का बंदोबस्त नहीं था ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि ये पांच लोग हैं जो रजौरी से निकले हुए हैं और पैदल मेरठ जा रहे हैं। लगभग 550 किलोमीटर का रास्ता है जो ये पैदल तय करेंगे अपने सामान को लेकर। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने प्रशासन से बात करने की कोशिश की, इनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। एक तरह से जिनकी शादी है जिस चक्कर में उनको जाना पड़ रहा है, इन्होंने ये भी कहा कि इनसे पहले भी 6 वो लोग जिन्हें ये जानते थे वो ऑलरेडी पैदल मेरठ पहुंच चुके हैं। तो जहां प्रशासन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि वो लोग जो माइग्रेंट लेबरर हैं, जो लोकल काम कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, उन्हें वापस घर भेजने का काम हो रहा है, आप देख सकते हैं कि आज के समय में भी ये लोग पैदल हैं, सड़क के ऊपर हैं और चल रहे हैं अपने घर पहुंचने के लिए।